हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुप्रिया और स्वागत करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएससी पार्ट वन का जो गेस क्वेश्चन कराई थी, जो पेपर वन के थे, ग्रुप ए से मैंने पांच क्वेश्चन गेस कराई थी। मैं तो पांच क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक का है। पूजा कुमारी, गोलू, प्रिंस, मोहित कुमार चौबे, रवि रंजन, इन सारे लोगों के द्वारा कमेंट आया था कि आप इसका सॉल्यूशन भी डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जो आप सिर्फ 20 से 25 सेकेंड में आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, है ना। अच्छा, तो आइए देखते हैं, वो भी बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकता है। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, 4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ डिजिट चेंज हो जाए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका देखिए एक मिनट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि इन्वर्स निकालने के लिए दिया कि ए इन्वर्स निकालिए, तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब देखिए, ये लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए टाइमिंग थोड़ी ले लेगी, पर इसको आप 20 से 25 सेकेंड में कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, अब देखिए, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट सबसे पहले एडजॉइंट को यहाँ छोड़ते हैं और सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। यहाँ हम डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो है ना, ये हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा और 3 1 3, यहाँ पे 3 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं, है ना, बिल्कुल छोटा सा चीज़ तो है। और देखिए यहाँ पे अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए है तो मैंने 1 बाई डिटर्मिनेंट ए का मैंने यहाँ पे किया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कोई दिक्कत नहीं, और माइनस बीच में ये तो होता ही है। अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे आसान चीज़ है कि आप इसको, ये जो दिख रहा है ना, इसको इंटरचेंज कर देंगे, ये 2 और 4, ठीक है, मीन्स इंटरचेंज करेंगे तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 2 जो है यहाँ चला गया, और इन दोनों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देना है, मीन्स 1 है तो -1 और 3 है तो -3। कोई दिक्कत है, बिल्कुल छोटा सा चीज़ तो है ना, छोटा सा, यही हो गया इसका इन्वर्स निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1/5 और इसको लिख सकते हैं 4 -3 और -1 2, यही इसका इन्वर्स है। ये 2/2 का है, ठीक है, ये 2/2 का है। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे ही 3/3 का हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि ये तो छोटा था, 2/2 का था तो बहुत छोटा था, तो इसको तो टाइम नहीं लगा, पर अगर बड़ा होगा तो टाइम लगेगा ही। तो आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए 3/3 का कोई मैट्रिक्स दिया हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ 2 दिया है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, फिर यहाँ अगर मान लीजिए 1 1 1 है और यहाँ पे 1 0, यहाँ मान लीजिए 2 ही है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं, सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका इन्वर्स निकालना है ना, तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए आप तो फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने लिखा था इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पे होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ अब सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, एडजॉइंट बना लेते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे छोटा सा ट्रिक बताएंगे, एकदम बिल्कुल छोटा सा। अब देखिए ना, यहाँ सबसे पहले हम लोग बीच वाले सेंटर को रख लेंगे, बीच वाले सेंटर को सबसे पहले, ये बीच वाला है आपको दिख रहा होगा, 1 जो है बीच में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1,
ठीक है, ये वन को, फिर नीचे वाले इसके वन को यहाँ रखेंगे, फिर इसके ऊपर वाले वन को तो यहाँ रखेंगे, और फिर यहीं वाले वन को यहाँ रख देंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल छोटा लग रहा है ना, है ना छोटा। अब सेम चीज़ यहाँ ये वाला जीरो के साथ करते हैं, यहाँ जीरो रखते हैं और फिर नीचे वाले को तो यहाँ टू रखेंगे, और फिर इसके ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला तो यहाँ वन हो जाएगा, और फिर इसको फिर जीरो हो जाएगा। है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोटा है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ जीरो को रखते हैं, तो जब जीरो को रखेंगे तो जीरो यहाँ हो जाएगा, और फिर आपका ये हो जाएगा नीचे वाला वन, फिर सबसे ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ टू, और फिर इसी जीरो को रख देंगे, है ना। और फिर ये थोड़ा छोटा हो गया, और फिर वही वाले बीच वाले सेंटर को फिर से लिख देना है, मीन्स ऊपर क्या आया था, वन वन वन, है ना, हो गया। अब देखिए, अब इसका डिटर फिर एक बार, अब क्या करेंगे, जब इसका अब देखिए, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो ये टू हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो टू वन जा टू, और जीरो वन में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको फिर इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर माइनस वन आ रहा है, देखिए यहाँ पे करने पे, और फिर यहाँ भी माइनस वन आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आपका जब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस जीरो जीरो और माइनस, सॉरी जीरो और वन, जीरो और टू, माइनस में टू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टू, सॉरी टू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। फिर देखिए इसको, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, फिर ऐसे ही इसके इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन वन, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका माइनस वन, और यहाँ आपका आ जाएगा टू, और इधर टू हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या होगा, ये आपका हो गया, अब इसका डिटरमिनेंट, अब देखिए एडजॉइंट तो इतना आ गया, अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं कि वन बाई डिटरमिनेंट, और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं टू माइनस वन और जीरो टू, जीरो माइनस वन टू, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। अब डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो ये थोड़ा फिर से आ गया बड़ा चीज़, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप अगर करो तो दो मिनट में हो जाएगा, मिनट भी नहीं लगेगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो दिख रहा है ना आपको, डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाले को, ये जो हम लोग निकाले हैं इसका ये, और ये जो हमारा क्वेश्चन में था इसका ये, ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इन्वर्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टू से करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए ये हमारा गलत हो गया, तो डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो ये मैंने बताया इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए टू में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर आ जाएगा, और फिर जीरो से वन में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और फिर माइनस वन से माइनस वन से प्लस वन में करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, और फिर हमारा जो एडजॉइंट आया हुआ है उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस वन टू माइनस वन, फिर यहाँ पे माइनस वन जीरो टू, जो सेम लिखा है वो मैंने लिख दिया, और फिर इसका आंसर आ जाएगा हमारा, फिर इसका आंसर जो आएगा वन बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है, हमारा वन बाई थ्री आ गया, आप लोग इसको देख सकते हैं, ये जो आया वन बाई थ्री, और यहाँ पे हमारा जो आया है वो मैट डिटर एडजॉइंट उसको लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, यही इन्वर्स निकालने का रूल हो गया। अगर आप जेपी यूनिवर्सिटी से हैं और आपको ऐसे ही वीडियोज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप जेपी यूनिवर्सिटी से हैं और किसी भी टाइप से आपको नोटिफिकेशन चाहिए, किसी भी टाइप का, आप जैसे बीएससी पार्ट वन का है, पार्ट टू का है, पार्ट थ्री का है, तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक जाती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कम से कम एक अपने दोस्त को शेयर करके एक छोटा सा हेल्प करिएगा।